please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, मैं हूं किशोर रजवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक के 11,400 करोड़ के घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय मुंबई, दिल्ली और जयपुर समेत देश भर में नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के 17 जगहों के शोरूम पर छापेमारी कर रहा है। छापेमारी में अब तक 5100 करोड़ के सोने, हीरे और अन्य कीमती नग जब्त किए गए हैं। ईडी ने मुंबई में नीरव मोदी की 6 प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है। ईडी ने नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन भेजकर मुंबई में पेश होने को कहा है। ईडी ने नीरव मोदी समेत निशाल, अमीमोटी, चौकसी और एक अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। ईडी ने विदेश मंत्रालय को नीरव, चौकसी और अमी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए लिखा है, जबकि अमीमोटी अमेरिकी नागरिक है। देश भर में नीरव मोदी के दफ्तर और शोरूम में छापेमारी के समय ईडी ने बर्लिन और भारत के बीच के फर्स्ट क्लास की हवाई यात्रा के 32 टिकट बरामद किए हैं। ईडी ने छापेमारी में 2016 से 2018 के समय खरीदे गए 5 करोड़ 15 लाख की कीमत के शेयर के दस्तावेज भी बरामद किए और उसके बाद उनको सीज किया है। वहीं वित्तीय मामलों की संसदीय समिति ने मामले पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे नीरव मोदी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। देश भर में नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुंबई, दिल्ली, जयपुर में नीरव मोदी के शोरूम में छापेमारी हुई। छापेमारी में 5,100 करोड़ के गहने और हीरे जब्त किए गए। मुंबई में नीरव मोदी की 6 प्रॉपर्टी जब्त हुई। छापेमारी में भारत से बर्लिन की 32 एडवांस टिकट मिली। दरअसल 2016-18 के बीच 5.15 करोड़ के शेयर खरीद के दस्तावेज मिले। ईडी का नीरव और मेहुल चौकसी को पीएमएलए एक्ट में समन। नीरव और मेहुल को मुंबई में पेश होने का समन है। नीरव, एमी मोदी, मेहुल चौकसी समेत 5 के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। ईडी की नीरव, एमी और चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग है। वहीं संसद की वित्त मामलों की समिति ने वित्त मंत्रालय से इस पर रिपोर्ट भी तलब की। घोटाले के आरोपी कारोबारी नीरव मोदी विदेश में है। माना जा रहा है कि बेल्जियम में हो सकते हैं, जहां उनका घर है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में नीरव मोदी का घर है, जहां उनका पूरा परिवार रहता है। यहीं पर हीरो की सबसे बड़ी मंडी भी है। न्यूज 18 इंडिया भी बेल्जियम पहुंचा और जानने की कोशिश की कि अगर नीरव मोदी वहां है तो उन्हें भारत लाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो ये एंटवर्प शहर नीरव मोदी के लिए घर बराबर है, बल्कि उनका घर यहाँ है। सारा परिवार यहाँ बसा हुआ है और यहाँ पर उनका धंधा है, उनका व्यापार चलता है। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है ये हीरों की, और वहाँ पर उनका काफ़ी लेन देन, काफ़ी कारोबार कई वर्षों से चल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सब छोड़ के वो वापस भारत क्यों आए। साथ में इतने सारे डायमंड डीलर हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो लगता है कि आगे उसी तरह की एक एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग होनी पड़ेंगी, जिस तरह की हमने माल्या के केस में देखी। और याद रहे कि ब्रिटेन और बेल्जियम दोनों यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो लगभग एक प्रकार का कानून लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बात लंबी खिंचेगी। कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि ये अपराधी है, कि ये व्यापार में कोई नुकसान की बात नहीं है। ये नहीं कि आपने लोन रीपे नहीं किया तो उसके लिए सज़ा मिल रही है। साथ में जेल की क्या हालात हैं उन पर बहस होगी, जैसे कि माल्या के केस में चल रही है। तो लगता है कि ये मामला बहुत लंबा टिक सकता है। 11,400 करोड़ के घोटाले के बाद नीरव मोदी पर जहां ईडी और सीबीआई शिकंजा कस रही है, वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट कर नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी के घोटाले और उनके विदेश भागने का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। वीडियो के आखिर में लिखा है कि लूटो और भागो, यही मोदी सरकार का हॉलमार्क है। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री को नीरव मोदी के घोटाले के बारे में पता था, फिर भी नीरव मोदी सरकार को अंगूठा दिखाकर भाग गया, ये क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी।
नीरव मोदी के 11,400 करोड़ के घोटाले में फंसने के बाद अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा नीरव मोदी की गहनों की कंपनी से अपना करार खत्म करने पर विचार कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा के प्रवक्ता के मुताबिक नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के बाद प्रियंका अब इस कंपनी से अपना प्रचार का करार खत्म करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। वहीं प्रियंका के साथ प्रचार में नजर आने वाली अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा का दावा है कि कंपनी के साथ उनका करार खत्म हो चुका है, लिहाजा उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। दिल्ली के चाणक्यपुर में मौजूद चाणक्य मल्टीप्लेक्स के बाहर मीडिया की मौजूदगी में ईडी के कुछ अधिकारी टहलते दिखे। ईडी के अफसरों ने पीएनबी में 11,400 करोड़ के घोटाले के बाद इस मामले में आरोपी कारोबारी नीरव मोदी के एक शोरूम पर छापा मारा, जिसके बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया, क्योंकि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के कई ठिकानों पर सीबीआई और ईडी ने छापे मारे। लेकिन इसी बीच पीएनबी में हुए इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगा दिया। मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए, वो तो कहते हैं कि करप्शन फ्री सरकार है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को नीरव मोदी के बहाने घेरने की कोशिश की। देश एक और मोदी के घोटाले से आहत है, पीड़ित है, सकते में है 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले से। पीएनबी के इस घोटाले के बहाने आम आदमी पार्टी ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी और कारोबारी विजय माल्या के देश से भागने का मामला भी उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी की अनदेखी की वजह से ललित मोदी और विजय माल्या की तरह नीरव मोदी भी घोटाला करने के बाद देश छोड़ने में कामयाब हो गए। हालांकि विपक्ष के हमलों के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और दावा किया कि यह घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ था, जो मोदी सरकार में पकड़ा गया। अभी जो बाहर आ रहे हैं ये सब उनका देन है, उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। तो 2011 से लेकर के 2014 तक क्या वो सोते रहे? अब आकर के धीरे धीरे पता लगा। सियासी हमलों के बीच केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक बार फिर ठन गई है। इस बार 75% उपस्थिति अनिवार्य किए जाने पर छात्र विरोध में उतर आए हैं। जेएनयू छात्र संगठन की अगुवाई में विरोध कर रहे सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन को घेर लिया। जेएनयू प्रशासन का आरोप है कि प्रशासनिक भवन का घेराव करने वाले छात्रों ने स्टाफ के सदस्यों को बाहर जाने नहीं दिया। जेएनयू के वीसी एम जगदेश कुमार ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि छात्रों ने कई कर्मचारियों को प्रशासनिक भवन में कैद कर दिया, जिससे एक कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वो सिर्फ वीसी से मिलने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने किसी को भी आने जाने से नहीं रोका। भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, इनको कुछ पद चाहिए प्रशासन में, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। अभी कोई नहीं है, किसी ने कोई गेट ब्लॉक नहीं किया, सब आराम से सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। वाइस चांसलर हमसे मिले, हम बोल रहे हैं कि वो हमसे आके मिले। विरोध उनकी एग्जिस्टेंस का चल रहा है फिलहाल, कि वो जब से आए हैं हमारे कैंपस का एक एक चीज उन्होंने बर्बाद कर दिया। करीब 100 से 150 के बीच में जो छात्र हैं, जिसमें अधिकांश बाहर के एलिमेंट हैं, और उन्होंने हमारे जो रेक्टर 1 है प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा और रेक्टर 3 प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, उन दोनों को बंधक बनाया हुआ है। उनको उन्होंने बाहर नहीं आने दिया है और उनसे काफ़ी बदतमीज़ी की गई है। और हमारे जो चीफ प्रॉक्टर हैं प्रोफेसर कौशल शर्मा जी, उनको भी 3 घंटे इन लोगों ने आज बंधक बनाया है यहाँ पर, और उनसे तरह तरह की बदतमीजियाँ की, भद्दी भद्दी उनको इन लोगों ने आज गालियाँ दी हैं। अभी हम ये 40-50 टीचर ये इकट्ठे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे जो हमारे रेक्टर 1 और 2 अंदर बंद हैं, हम बंधक बनाए हैं इन लोगों स्टूडेंट के द्वारा, उनको आज यहाँ से मुक्त करा के बाहर ले आए। हमारे सहयोगी शीतल नांदल फोन लाइन पर मौजूद है। शीतल, प्रशासन और छात्रों में ठन गई है, इस वक्त क्या माहौल है कैंपस का? देखिए, रात में जो है एक रेक्टर की तबीयत काफी खराब हो गई थी, बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस आई और उन्हें रॉकी हिल अस्पताल जो है ले जाया गया। जिसके बाद स्टूडेंट जो है उनको भी जब दिखा कि मामले की गंभीरता बढ़ती चली जा रही है, तो स्टूडेंट वहां से चले गए, लौट गए, लेकिन वो इस बात के साथ गए कि वो अगली सुबह फिर से रहेंगे और तब तक वहां खड़े रहेंगे जब तक वो वाइस चांसलर से मुलाकात नहीं कर लेते हैं। यानी आज सुबह 11 बजे जो है वो दोबारा स्टूडेंट जो है एडमिन ब्लॉक के सामने फिर से आ जाएंगे और इसी तरह से घेराव करेंगे, क्योंकि वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो वीसी से मुलाकात करके जो है वो रहेंगे, जबकि वीसी कह रहे हैं कि हर
महीने का जो पहला सोमवार होता है उसमें वो बिना अपॉइंटमेंट के स्टूडेंट से मिलते हैं, वो तभी उनसे मिलेंगे और बातचीत इस मामले पे करेंगे। तो आपस में दोनों की ठनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो है मामला वहां पर शांत हो गया है। शीतल, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लखनऊ में श्री श्री रविशंकर के पूर्व सहयोगी अमरनाथ मिश्रा हाथ में धार्मिक ग्रंथ गीता पकड़े हुए दिखे। गीता हाथ में लेकर अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने राम मंदिर बनाने के फॉर्मूले पर सहमति के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी। और अपने आरोप की सच्चाई साबित करने के लिए अमरनाथ मिश्रा ने न सिर्फ गीता की कसम खाई बल्कि उनके और सलमान नदवी के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच करने की भी मांग की। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि अयोध्या विवाद पर अपना रुख बदलने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने रिश्वत की मांग की। आरोप है कि सलमान नदवी ने 5,000 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत मांगे। इसके अलावा अयोध्या में मस्जिद के लिए 200 एकड़ जमीन की भी मांग की गई। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि नदवी ने खुद के लिए राज्यसभा की सीट भी मांगी। भागवत गीता के पर हाथ रख करके कह रहे हैं कि मैं उनके से मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई। बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद को सुलझाने की श्री श्री रविशंकर की पहल में अमरनाथ मिश्रा शामिल रहे। अमरनाथ मिश्रा श्री श्री रविशंकर की बनाई हुई अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के महासचिव थे। हालांकि अब वो इस समिति में नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर सहमति के लिए सलमान नदवी से बातचीत की थी, जिसमें नदवी को राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी सौंपे गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उलट सलमान नदवी ने अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए सहमति जताई थी और मस्जिद को कहीं और बनाने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन इसके एवज में पैसे और जमीन की रिश्वत मांगने के आरोप से सलमान नदवी ने साफ इनकार किया। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा पर जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। जो भाईचारे को नुकसान पहुंचाए वो इंसान नहीं हो सकता, शैतान हो सकता। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा को पहचानने से भी इनकार कर दिया और दावा किया कि उनका मकसद सिर्फ अयोध्या विवाद को सुलझाना है। आज वो देख रहे हैं कि मसला हल हो सकता है, अब अंदर से जहर भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि साहब राम मंदिर भी ना बने, मस्जिद भी ना बने। उधर अमरनाथ मिश्रा ने खुद के लगाए आरोप की जांच करने की मांग की और दावा किया कि उनके पास इस सौदेबाजी से जुड़े सभी सबूत हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए रिश्वत के आरोप से धार्मिक और सियासी हलके में खलबली मच गई। उधर अमरनाथ मिश्रा ने लखनऊ के एक पुलिस थाने में सलमान नदवी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। 5 फरवरी को उन्होंने 9:45 में नदवा बुलाया था। जब नदवा गए तो उन्होंने कहा आप हमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, हम मोदी जी और योगी जी से और हिंदू पक्षकारों से बात करें। अमरनाथ मिश्रा ने दावा किया कि इस विवाद के बावजूद अयोध्या मामला सुलझाने के लिए हो रही बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या विवाद पर अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए सलमान नदवी को आड़े हाथ लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत पहले यह फैसला कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का हल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौलाना सलमान नदवी का बचाव किया और रिश्वत मांगने के आरोप को खारिज किया। दिल्ली में स्कूल कैब ड्राइवर पर 10 साल की छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने परिवार को ड्राइवर की करतूत के बारे में बताया। बच्ची के मुताबिक सभी बच्चों को उतारने के बाद जब वो कैब में अकेली रह गई तो ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की। परिवार को जैसे ही इस घटना का पता चला उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सारे बच्चे उतर गए थे ना, तब भैया कह रहे तुझे गियर डालना सिखाता हूँ, तो ना उन्होंने मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के ना कह रहे इसको पकड़। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, शोर मचाया? नहीं, कोई भी नहीं था वैन में। पहले हरकत ये थी सर, इसकी 2 बार चांस आया, शराब पी के गाड़ी चला रहा था ये। इस बार शिकायत अपने प्रिंसिपल भी से भी की थी जी। उसके बावजूद भी एक बार फिर शराब पी के आया था सर ये। अच्छा। ये शिकायत आई थी इसकी। प्रिंसिपल ने उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया उसको? समझाया था, अगर उसने माफ़ी वगैरह मांग ली ये कर दिया बस। पंजाब नेशनल बैंक के 11,400 करोड़ के घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय मुंबई, दिल्ली और जयपुर समेत देश भर में नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के 17 जगहों के शोरूम पर छापेमारी कर रहा है। छापेमारी में अब तक 5100 करोड़ के सोने, हीरे और अन्य कीमती नग जब्त किए गए हैं। ईडी ने मुंबई में नीरव मोदी की 6 प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है। ईडी ने नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन भेजकर मुंबई में पेश होने को कहा। ईडी ने नीरव मोदी समेत निशाल, अमी मोदी, चौकसी और एक अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी ने विदेश मंत्रालय को नीरव, चौकसी और अमी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा है, जबकि अमी मोदी अमेरिकी नागरिक है।
देश भर में नीरव मोदी के दफ्तर और शोरूम में छापेमारी के समय ईडी ने बर्लिन और भारत के बीच के फर्स्ट क्लास की हवाई यात्रा के 32 टिकट बरामद किए हैं। ईडी ने छापेमारी में 2016 से 2018 के समय खरीदे गए 5 करोड़ 15 लाख की कीमत के शेयर के दस्तावेज भी बरामद कर सीज किए हैं। वहीं वित्तीय मामलों की संसदीय समिति ने मामले पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट भी तलब की है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे नीरव मोदी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल देश भर में नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुंबई, दिल्ली, जयपुर में नीरव मोदी के शोरूम पर ये छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में 5,100 करोड़ के गहने और हीरे जब्त किए गए। मुंबई में नीरव मोदी की 6 प्रॉपर्टी जब्त हुई। छापेमारी में भारत से बर्लिन की 32 एडवांस टिकट भी मिली है। 2016 से 2018 के बीच 5.15 करोड़ के शेयर खरीद के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा ईडी का नीरव और मेहुल चौकसी को पीएमएलए एक्ट में समन भी जारी हुआ है। नीरव और मेहुल को मुंबई में पेश होने का समन जारी हुआ है। नीरव, एमी मोदी, मेहुल चौकसी समेत 5 के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। ईडी की नीरव, एमी और चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी है। वहीं संसद की वित्त मामलों की समिति ने वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट भी तलब की है। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर को आधार बनाकर सियासत तेज हो गई। ये तस्वीर तब की है जब पीएम जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने दावोस गए थे, और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री और दूसरे कारोबारियों के साथ नीरव मोदी भी मंच पर नजर आए। तस्वीर को आधार बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर तीखा हमला बोला और ट्वीट किया कि नीरव मोदी द्वारा भारत को लूटने का तरीका, प्रधानमंत्री को गले लगाओ, उनके साथ दावोस में दिखो, 12,000 करोड़ लूटने में इसका इस्तेमाल करो, माल्या की तरह देश से भाग जाओ, जबकि सरकार की नजर कहीं और हो। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले पर राहुल के हमले के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। गौरव गोगोई ने #नीरव मोदी और #PNB के साथ ट्विटर पर लिखा कि विदेशी दौरों पर CEOs को अपने साथ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री का मापदंड क्या है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और आगे बढ़ गए और नीरव मोदी के साथ माल्या और ललित मोदी को जोड़ते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। पहले छोटे मोदी ललित मोदी को भगाया, फिर विजय माल्या को भगवाया, अब दूसरे छोटे मोदी नीरव मोदी भी भाग गए। कांग्रेस ने पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया और नीरव मोदी के देश छोड़कर भाग जाने पर सरकार से सवाल पूछा। उधर बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्रियों ने घोटाले के लिए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया और लगे हाथ प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करने के लिए कांग्रेस की निंदा की। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? हार के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदे लांग देंगे। बीजेपी ने साफ किया कि दावोस में नीरव मोदी पीएम के डेलीगेशन में शामिल नहीं थे। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने पीएनबी घोटाले के लिए यूपीए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को लताड़ लगाई। जिनके घर ऐसे शीशे के हों जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो दूसरों पर पत्थर फेंकना बंद करें। बीजेपी ने कांग्रेस को पीएनबी घोटाले पर सियासत न करने की नसीहत दी, साथ ही दावा किया कि घोटाले से जुड़े सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के JNU में प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्र तालियां बजाकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अटेंडेंस जरूरी किए जाने के फैसले का विरोध भी किया और इस मसले पर कुलपति से मिलने की मांग पर अड़ गए। छात्रों का ये प्रदर्शन दिन में शुरू हुआ जो देर तक जारी रहा। हम लोग बाहर बैठ के VC का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और वो हमसे मिले। साफ साफ हमारी डिमांड है कि सर्कुलर वापस लिया जाए। इसके बाद भी वाइस चांसलर ने छात्रों से मिलना मुनासिब नहीं समझा, जिससे छात्र उग्र हो गए। उन्होंने कुलपति को हटाने तक की मांग कर दी। इनको यहाँ से चले जाना चाहिए, इनका मोरली और एथिकली कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। JNU छात्र संघ का आरोप है कि वाइस चांसलर RSS के इशारे पर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्कॉलरशिप के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और उन्हें सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन के इस फरमान से छात्र गुस्से में आ गए।
उन्होंने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने दावा किया है कि वो शांत तरीके से अपनी बात कुलपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलपति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर छात्रों के दावे को गलत बताया। इस वीडियो में दिखा कि कुछ छात्र वाइस चांसलर के कमरे के बाहर हंगामे में जुटे थे और उन्हें हटाने के लिए वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मी जद्दोजहद कर रहे थे। काफी देर की मशक्कत के बाद सुरक्षाकर्मी छात्रों को हटाने में नाकाम रहे और कुलपति के कमरे के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी वाइस चांसलर के समर्थन में उतरे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कुलपति को बंधक बनाने का आरोप लगाया। उन दोनों को बंधक बनाया हुआ है, उनको उन्होंने बाहर नहीं आने दिया है और उनसे काफी बदतमीजी की गई है। These things are happening again and again in JNU and these things should not be tolerated. लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए छात्रों ने उल्टा कॉलेज प्रशासन को ही निशाने पर ले लिया। अभी कोई नहीं है, किसी ने कोई गेट ब्लॉक नहीं किया है, सब आराम से सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। लगे हाथ छात्र संघ ने ऐलान किया कि वो बगैर अपनी मांगे पूरी हुए पीछे नहीं हटेंगे। लखनऊ में श्री श्री रविशंकर के पूर्व सहयोगी अमरनाथ मिश्रा हाथ में धार्मिक ग्रंथ गीता पकड़े हुए दिखे। गीता हाथ में लेकर अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने राम मंदिर बनाने के फॉर्मूले पर सहमति के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी और अपने आरोप की सच्चाई साबित करने के लिए अमरनाथ मिश्रा ने न सिर्फ गीता की कसम खाई बल्कि उनके और सलमान नदवी के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच करने की भी मांग की। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि अयोध्या विवाद पर अपना रुख बदलने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने रिश्वत की मांग की। आरोप है कि सलमान नदवी ने 5000 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत मांगे। इसके अलावा अयोध्या में मस्जिद के लिए 200 एकड़ जमीन की भी मांग की गई। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि नदवी ने खुद के लिए राज्यसभा की सीट भी मांगी। भागवत गीता के ऊपर हाथ रख कर के कह रहे हैं कि मैं उनके से में मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई। बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद को सुलझाने की श्री श्री रविशंकर की पहल में अमरनाथ मिश्रा शामिल रहे। अमरनाथ मिश्रा श्री श्री रविशंकर की बनाई हुई अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के महासचिव थे। हालांकि अब वो इस समिति में नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर सहमति के लिए सलमान नदवी से बातचीत की थी, जिसमें नदवी को राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी सौंपे गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उलट सलमान नदवी ने अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए सहमति जताई थी और मस्जिद को कहीं और बनाने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन इसके एवज में पैसे और जमीन की रिश्वत मांगने के आरोप से सलमान नदवी ने साफ इनकार किया। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा पर जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। जो भाईचारे को नुकसान पहुंचाए वो इंसान नहीं हो सकता, शैतान हो सकता। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा को पहचानने से भी इनकार कर दिया और दावा किया कि उनका मकसद सिर्फ अयोध्या विवाद को सुलझाना है। आज वो देख रहे हैं कि मसला हल हो सकता है, अब अंदर से जहर भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि साहब राम मंदिर भी न बने, मस्जिद भी न बने। उधर अमरनाथ मिश्रा ने खुद के लगाए आरोप की जांच करने की मांग की और दावा किया कि उनके पास इस सौदेबाजी से जुड़े सभी सबूत हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए रिश्वत के आरोप से धार्मिक और सियासी हलके में खलबली मच गई। उधर अमरनाथ मिश्रा ने लखनऊ के एक पुलिस थाने में सलमान नदवी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। 5 फरवरी को उन्होंने 9:45 में नदवा बुलाया था। जब नदवा गए तो उन्होंने कहा आप हमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, हम मोदी जी और योगी जी से और हिंदू पक्षकारों से बात करें। अमरनाथ मिश्रा ने दावा किया कि इस विवाद के बावजूद अयोध्या मामला सुलझाने के लिए हो रही बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या विवाद पर अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए सलमान नदवी को आड़े हाथ लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का हल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौलाना सलमान नदवी का बचाव किया और रिश्वत मांगने के आरोप को खारिज किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एनडीआरएफ की टीम के लोग एक इमारत के मलबे में दबे लोगों को निकाल कर बाहर लाने लगे। जिस इमारत के मलबे में ये लोग दबे थे उसमें उसे बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बीती शाम वो इमारत अचानक गिर गई, जिसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे बचाव दल ने घायलों को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे की खबर मिलते ही कर्नाटक सरकार के मंत्री केजे जॉर्ज समेत कई मंत्री और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हादसे की पूरी जांच का भरोसा दिया। प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें कुछ हादसे की चपेट में आ गए। घटना वाली जगह पर देर रात तक बचाव और राहत का काम चलता रहा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की रफ्तार कम होने वाली है। ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन को
साल 2016 में शुरू किया गया था। गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी रफ्तार से यह ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच रोज चलती है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा कैंटनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच 188 किलोमीटर की दूरी करीब 100 मिनट में तय करती है ये ट्रेन। लेकिन अब ट्रेन की रफ्तार कम हो सकती है क्योंकि जल्द ही ट्रेन को झांसी तक चलाया जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस को झांसी तक चलाने का फैसला रेलवे बोर्ड ने ही लिया है, लेकिन आगरा से झांसी तक का रेलवे ट्रैक ऐसा नहीं है जिस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ पाए। इसलिए ट्रेन की रफ्तार को 160 से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। लेकिन रेलवे के ऐसा करने के बाद गतिमान एक्सप्रेस से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का तमगा जरूर छिन जाएगा। हालांकि झांसी और ग्वालियर के लोगों को एक नई ट्रेन का तोहफा जरूर मिलेगा। फिलहाल गतिमान एक्सप्रेस के अलावा देश में दो रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का काम चल रहा है। इनमें पहला रूट दिल्ली से हावड़ा का है जिस पर करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा रूट दिल्ली से मुंबई का है जिस पर 11000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। दोनों रूट पर रेलवे की योजना 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने की है। भारतीय सेना पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि सेना ने LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पोस्ट पर तैनात कमांडरों को खुली छूट दी है। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को जरूरी किए जाने को लेकर छात्रों ने BC ऑफिस को घेर कर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं और विचारकों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी जिसके दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात की और रत्नागिरी रिफाइनरी के विरोध का मुद्दा उठाया। जमात उद्दावा समेत अपने कई संगठनों पर कार्रवाई से बौखलाया आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगा। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हुए आरिस खान उर्फ जुनैद की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई। आरोप है कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा जुनैद दिल्ली और UP समेत कई राज्यों में हुए धमाकों में शामिल रहा। लेकिन पुलिस के मुताबिक बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान जुनैद भाग निकलने में कामयाब रहा था। वर्षों बाद जुनैद की गिरफ्तारी से बटला हाउस एनकाउंटर के मुद्दे पर पुरानी सियासत फिर तेज हो गई और इसी बहाने BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज कांग्रेस पार्टी की वही पॉलिटिकल पाखंड और वही हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है। दिल्ली में साल 2008 में हुए जामिया नगर के बटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे। हालांकि मध्य प्रदेश में धार्मिक यात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह ने अब आतंकी जुनैद पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। सारी बातें हम परिक्रमा पूरी होने पर करेंगे। वहीं आतंकी जुनैद की गिरफ्तारी पर BJP ने पुलिस की तारीफ की और दावा किया कि पुलिस और सरकार की सतर्कता से ही इस फरार आतंकी को पकड़ा गया। बटला हाउस एनकाउंटर मुद्दे पर BJP के हमले के जवाब में कांग्रेस भी सामने आई और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जुनैद के फरार होने और अब गिरफ्तार किए जाने पर उंगली उठाई। पुलिस शुड हैव टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम द साइट इटसेल्फ, हाउ ही वाज अलाउड टू एस्केप। जुनैद की गिरफ्तारी को BJP जहां सरकार की कामयाबी बता रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में पुलिस से जल्द आरोप साबित करने की मांग कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक घर के अंदर चेहरा ढकी एक बच्ची नजर आई। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची का आरोप है कि उसकी स्कूल की कैब के ड्राइवर ने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की और दावा किया कि गाड़ी सिखाने के बहाने उसके साथ ये हरकत की गई। नाबालिग के मुताबिक बीते रोज स्कूल की कैब सभी बच्चों को लेकर स्कूल से निकली और एक एक कर सबको उनके ठिकानों पर छोड़ दिया, लेकिन बच्चे को घर छोड़ने से पहले कैब के ड्राइवर ने उसे गाड़ी सिखाने की बात कही और आरोप है कि इसी बहाने उसने मासूम का यौन शोषण किया। सारे बच्चे उतर गए थे ना, तब भैया कह रहे तुझे गियर डालना सिखाता हूँ। घर पहुँचने के बाद लड़की ने घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने पहले तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और फिर स्कूल को घटना की जानकारी भी दी। पीड़ित बच्चे के घर वालों का आरोप है कि घटना की जानकारी दिए जाने पर स्कूल प्रशासन ने यौन शोषण के मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन दबाव डाले जाने पर स्कूल प्रशासन ने दलील दी कि जिस कैब में घटना घटी वो प्राइवेट कैब है जिसका स्कूल से कुछ भी लेना देना नहीं है। आरोप ये भी है कि कैब ड्राइवर की हरकतों के बारे में स्कूल को पहले ही खबर दी गई थी। पहले हरकत ये थी सर, इसकी 2 बार चांस आया शराब पी के गाड़ी चला रहा था ये। इस बारे में शिकायत अपने प्रिंसिपल से भी की थी। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठ नाकाम की। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेढर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी।
केरल के कोझिकोड में एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारने के आरोप में एक सीपीएम नेता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी सरकार ने फैसला किया कि अब सरकारी स्कूलों में पहली और छठी में नए दाखिले पर ही स्कूल बैग मिलेंगे और इन्हें 5 साल चलाना होगा। एक आरटीआई के जरिए दावा किया गया कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में हवाई यात्राओं पर करीब 6 करोड़ खर्च किए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बगल में हो रही खुदाई की वजह से एक 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। झारखंड के हजारीबाग में नक्सली विजय मरांडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस पर हत्या, लूट और धमाकों के कई मामले दर्ज हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के दफ्तर में आग से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद इस पर किसी तरह काबू पाया गया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग दवा की एक फैक्ट्री में छानबीन करते नजर आए। जिस फैक्ट्री में दवाओं की पड़ताल की जा रही थी, उसका लाइसेंस 3 महीने पहले ही रद्द कर दिया गया था। लेकिन आरोप है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी फैक्ट्री में दवाइयां बनाने का काम जोरों से चल रहा था। मामले की खबर मिलते ही पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने वहां छापा मारा और बड़ी तादाद में दवाइयां बरामद की। छापेमारी करने पहुंची टीम को कई दवाओं के नकली होने का शक भी हुआ। नकली प्रतीत होती है, संदिग्ध है, जांच रिपोर्ट आने के बाद और कार्रवाई की जाएगी। इस बीच फैक्ट्री के हर एक कमरे की तलाशी भी ली गई। किसी कमरे में दवा बनाने की मशीनें लगी थी तो कहीं दवाओं को पैक करने का इंतजाम किया गया था। इतना ही नहीं, लाइसेंस न होने के बावजूद कई नामी कंपनियों के होलोग्राम भी फैक्ट्री में मौजूद थे और दावा किया जा रहा है कि इन्हीं कंपनियों के नाम पर नकली दवाओं के कारोबार को चलाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि फैक्ट्री में नकली दवा बनने की उसे खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी कर फैक्ट्री से कई दवाओं और मशीनों को जब्त किया गया। साथ ही इस फैक्ट्री से बाजार में पहुंची दवा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य के कई जिलों में खबर भी भेजी। तो इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए सूचना भेजी जा रही है। छापेमारी के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया और वहां से बरामद दवाओं के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। श्रीनगर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। बारामूला जिले में एक आतंकी के छिपे होने की खबर है। इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकी को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। तो बारामूला में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, क्या इनपुट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बारामुल्ला का एरिया है। बारामुल्ला का पट्टन एरिया के साथ में एक पलहालन एरिया है। पलहालन में एक मिलिटेंट के छुपे होने की खबर मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉर्डन किया गया पूरे इलाके को। कॉर्डन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जो एसएसपी बारामुल्ला के मुताबिक जो है, एक मिलिटेंट के छुपे होने की वहाँ पे खबर है, लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई है। अभी मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग नहीं हुई है, अभी शायद इसमें टाइम लग सकता है। ये कहा जा सकता है कि अभी एनकाउंटर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और एक साइड से यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साइड से जो है फायरिंग हुई है, ताकि मिलिटेंट को ढूंढ निकाला जा सके। रिफत, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। देश में ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी का स्तर अब चिंता का विषय बन गया है, इसलिए केंद्र सरकार अटल भूजल योजना पर काम तेज करने वाली है। CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में ग्राउंड वाटर के 30% ब्लॉक खतरे में है, यानी यहाँ पानी कभी भी खत्म हो सकता है। बोर्ड ने ग्राउंड वाटर के कुल 6,584 ब्लॉक के हालात पर रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें 1,034 ब्लॉक ऐसे हैं जिन्हें डार्क जोन कहा गया है, यानी यहां जितना ग्राउंड वाटर हर साल बारिश या नदियों से जुड़ता है उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। 934 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी का स्तर तेजी से कम हो रहा है, हालांकि ये डार्क जोन में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में ग्राउंड वाटर का हाल सबसे ज्यादा खराब है। यहां पानी तेजी से सूख रहा है। पंजाब के 76% ब्लॉक डार्क जोन में रखे गए, राजस्थान के 66% ब्लॉक डार्क जोन में, तो दिल्ली में भी ग्राउंड वाटर का बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली के 56% ब्लॉक डार्क जोन में। सरकार अटल भूजल योजना के जरिए हालात ठीक करने पर काम कर रही है। योजना के तहत कुल 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें आधी रकम यानी 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत को कर्ज के तौर पर देगा। सरकार 1 अप्रैल से पहले इस योजना पर तेजी से काम शुरू करना चाहती है। योजना के तहत नदियों का प्रबंधन सुधारा जाएगा और लोगों को ग्राउंड वाटर का किफायत से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर पर एक आदमी को ले जाते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इलाके की एक कंपनी में गैस रिसाव होने से एक आदमी की मौत हो गई।
जबकि करीब 7 लोगों की गैस की चपेट में आने से हालत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए फौरन पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक बाबर है जो कि अभी आईसीयू में है, उसका कंडीशन डॉक्टर ने स्टेबल बताया है। हादसे की खबर लगते ही पीड़ितों के घर वाले फौरन अस्पताल पहुंच गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि सेंचुरी नाम की इस कंपनी में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 10,000 से 15,000 वर्कर है उधर, हर साल कम से कम 10 से 12 लोग की मैयत होती। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अहमदाबाद में पुलिस ने चरस के साथ 3 लोगों को पकड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 1 करोड़ की कीमत की 9.5 किलो चरस बरामद हुई। बिहार के जहानाबाद में छेड़खाने से परेशान 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 सगी नाबालिग बहनों का गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों में 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। बिहार के नालंदा में कूड़ा फेंकने को लेकर 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में एक महिला की जमीन पर पटक कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में एक टेक्सटाइल मिल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। बिहार के हाजीपुर में भीड़ ने साइकिल चोरी के आरोप में एक आदमी की पिटाई की, जिसे बाद में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अब रेलवे के नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। रेलवे का दावा है कि इस योजना पर काम पूरा होते ही दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक आधा हो जाएगा। योजना के मुताबिक दिल्ली में पहले से मौजूद रेल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, लेकिन और लोकल ट्रेन के लिए नए ट्रैक बिछाए जाएंगे और पुराने ट्रैक बेहतर किए जाएंगे। ऐसी रेलगाड़ियों के लिए भी नए ट्रैक बिछाए जाएंगे जो लंबी दूरी की हैं और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से दिल्ली से होकर गुजरती हैं। इससे दिल्ली के मौजूदा ट्रैक पर बोझ कम होगा। रेलवे की योजना है कि दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर रेलवे स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे और रेलवे स्टेशन पर भी कमर्शियल स्टोर्स और शॉपिंग सेंटर बनाकर पैसे कमाए जाएं। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल नए ट्रैक बिछाने के लिए किया जाएगा, ताकि कुछ नई ट्रेन भी चलाई जा सके। दिल्ली में कुल 21 रेलवे स्टेशन है, जिनमें 9 के करीब मेट्रो स्टेशन है। रेलवे की योजना 9 स्टेशन को दोबारा से विकसित करने की है और इन पर सुविधाएं बेहतर करने की। दिल्ली में 35 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है, जो एक रिंग की शेप में है, इसलिए इसे रिंग रेल भी कहा जाता है। इसे खास तौर पर लोकल सफर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, लेकिन इस रेल नेटवर्क की कुल क्षमता केवल 30% लोग दिल्ली में रेल से सफर करते हैं। रेलवे की योजना है कि इस रिंग रेल की कायापलट की जाए और इस पर नई और आधुनिक ट्रेन चलाई जाए और दिल्ली मेट्रो से उनको जोड़ा जाए, ताकि जिन जगहों तक मेट्रो नहीं जाती वहां लोग रिंग रेल से बिना झंझट सफर कर पाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए नजर आई। इन मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक बिल का विरोध किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 5,000 मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए हुई थी, जिन पर 3 तलाक बिल के विरोध में कई स्लोगन लिखे थे। इन लोगों ने 3 तलाक बिल के विरोध में एक मौन रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। करारा जवाब है सरकार के सामने कि देखे वो कि क्या मुस्लिम बहनें चाहती हैं, क्या मुस्लिम माएं चाहती हैं, वो सामने है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने ऐलान किया कि वो 3 तलाक के मसले पर किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमारी शरीयत में दखल अंदाजी किसी को भी, हमारी मुस्लिम बहनों को, माओं को पसंद नहीं है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 तलाक बिल संसद में पेश किया है, जो लोकसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी ये बिल अटका हुआ है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बिल को पास करवाया जाए, ताकि 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल सके। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं ने ही बिल का विरोध शुरू कर दिया है, जिन्हें पहले से ही बिल का विरोध कर रहे लोगों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। अभी चंद दिनों से एक नई चीज वजूद में आई है, यकसा सिविल कोड लाने के लिए उन्होंने एक नई चीज राइज करने की कोशिश की है। 3 तलाक बिल के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुस्लिम समाज पर ये बिल थोपा जा रहा है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जरूरत नहीं किसी के कानून की, कोई इस कानून को थोपने की कोशिश नहीं करे, हम हमारे कानून पे चलना चाहते हैं। मौन रैली निकालने और ज्ञापन देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक जनसभा भी की, जिसमें 3 तलाक बिल के विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ लोग 4 लोगों को डंडों से पीटते दिखे। मारपीट की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी तकरीबन आधा दर्जन लोग हाथों में डंडे लेकर वहां पहुंचे और बाहर खड़े लोगों पर हमला कर दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक हमलावर 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर वहां से फरार हो गए। कहने लगा कि मैं अभी बुलाता हूं 20-30 बच्चे और तेरे को देख लूंगा और तेरे को मार के जाऊंगा।
इस हमले में एक दुकानदार का हाथ टूट गया जबकि दूसरे के सिर में आधा दर्जन टांके लगे। आरोप लग रहे हैं कि यह पूरा झगड़ा मोबाइल पर बात करने को लेकर शुरू हुआ जिसकी वजह से दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई। आरोप है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने एक आदमी को मोबाइल पर बात करने से रोका जिसके बाद वो आदमी दुकानदारों को धमकाते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो अपने साथियों को लेकर लौटा और दुकानदारों पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दुकानदारों ने इस झगड़े की जानकारी पुलिस को पहले ही दे दी थी, इसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में गैस रिसाव से हड़कंप। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सेंचुरी नाम की कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव होने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के शामली में मुठभेड़ के समय 25,000 के नामी बदमाश अमजद को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बन रही एक 5 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में 9वीं में पढ़ने वाले एक छात्र का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। बिहार के आरा में पुलिस ने एक बैग से 5 जिंदा बम और 2 देसी पिस्टल बरामद किए। यूपी के हरदोई में नकली दूध के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक डेयरी से भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया और करीब 27,000 लीटर नकली दूध जब्त किया गया। हरियाणा के सिरसा में राम रहीम की करीबी विपसना इंसा एसपी ऑफिस से पुलिस वालों के साथ बाहर जाती दिखी। विपसना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद सिरसा पुलिस ने न तो उन्हें रोका और न ही इसकी जानकारी पंचकुला की एसआईटी को दी, जिसकी वजह से पुलिस की फजीहत हो रही। क्योंकि पूछताछ के बाद जिस तरह से विपसना इंसा आराम से निकल गई, उससे पुलिस के बीच तालमेल की कमी साफ दिखी। विपसना को 25 अगस्त 2017 को सिरसा में भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपसना इंसा से 5 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और बाद में वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। यानी वारंट की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने विपसना को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि पंचकुला हिंसा मामले में विपसना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट अदालत ने जारी किया था, जिसके बाद से वो फरार चल रही। ऐसे में आरोपी के 5 घंटे तक एसपी दफ्तर में रहने के बावजूद जिस तरह से उन्हें जाने दिया गया, उसे लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सिरसा पुलिस का दावा है कि उन्होंने पंचकुला पुलिस को विपसना के आने की जानकारी दे दी थी। उनकी टीम यहां नहीं है, पंचकुला पुलिस को सूचित कर दिया है, आगे जैसे भी पंचकुला पुलिस की कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कानूनी की जाएगी। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि सिरसा पुलिस ने पंचकुला पुलिस को विपसना की पेशी की जानकारी देर से दी, जिसकी वजह से वो हाथ से निकल गई। यूपी के बदायूं में बड़ी संख्या में हाईवे पर इकट्ठा हुए गन्ना किसान हाथों में गन्ना लेकर नारेबाजी करने लगे। इन किसानों ने जिले के गन्ना अधिकारियों की मनमानी का विरोध किया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बदायूं मुरादाबाद हाईवे जाम कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारी किसान सड़क के बीचों बीच गन्ने का ढेर लगाकर धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। किसानों के प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग से पीछे हटने को राजी नहीं हुए, लिहाजा जिले के आला अधिकारियों को किसानों से बातचीत के लिए मौके पर जाना पड़ा। हमने योगी जी को पोर्टल किया, आयुक्त को पोर्टल किया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने, और हमारा कहना है गन्ना समय से पड़ना चाहिए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने हाईवे से जाम हटा लिया, लेकिन करीब 4 घंटे तक चले प्रदर्शन की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। थोक महंगाई दर दिसंबर के 3.58% के मुकाबले जनवरी में गिरकर 2.84% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पर होने वाली चर्चा से पहले एक वीडियो शेयर किया। मोदी जी के साथ मिलकर करेंगे परीक्षाओं की कुछ अलग ढंग से तैयारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से रास्ते में फंसे लोगों को खाने पीने और दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वेल्डिंग करते वक्त सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंबई के कमला मिल्स हादसे की जांच में जुटी कमेटी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोपी 12 बीएमसी अधिकारियों के बयान दर्ज किए। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में बुधवार से गायब 6 साल की एक दलित लड़की का शव खेत से बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सामुदायिक विकास केंद्र में डॉक्टर न होने से मरीज को इलाज न मिलने के आरोप लगाते हुए रिश्तेदारों ने हंगामा किया।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं नीतीश कुमार। जयपुर मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को हिजब के दो आतंकी अंजाम दे सकते हैं, जिनके जयपुर में छिपे होने की खबर है। सेना के कैंप पर हमले की साजिश ये रची गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को हिजब के दो आतंकी अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुर में मौजूद चाणक्य मल्टीप्लेक्स के बाहर मीडिया की मौजूदगी में ईडी के कुछ अधिकारी टहलते दिखे। ईडी के अफसरों ने पीएनबी में 11,400 करोड़ के घोटाले के बाद इस मामले में आरोपी कारोबारी नीरव मोदी के एक शोरूम पर छापा मारा, जिसके बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया, क्योंकि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के कई ठिकानों पर सीबीआई और ईडी ने छापे मारे। लेकिन इसी बीच पीएनबी में हुए इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगा दिया। मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए, वो तो कहते हैं कि करप्शन फ्री सरकार है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को नीरव मोदी के बहाने घेरने की कोशिश की। देश एक और मोदी के घोटाले से आहत है, पीड़ित है, सकते में है 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले से। पीएनबी के इस घोटाले के बहाने आम आदमी पार्टी ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी और कारोबारी विजय माल्या के देश से भागने का मामला भी उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी की अनदेखी की वजह से ललित मोदी और विजय माल्या की तरह नीरव मोदी भी घोटाला करने के बाद देश छोड़ने में कामयाब हो गए। हालांकि विपक्ष के हमलों के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और दावा किया कि यह घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ था, जो मोदी सरकार में पकड़ा गया। अभी जो बाहर आ रहे हैं ये सब उनका देन है, उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। तो 2011 से लेकर के 2014 तक क्या वो सोते रहे? अब आकर के धीरे धीरे पता लगा। सियासी हमलों के बीच केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस के जवान चेहरा ढके तीन लोगों को थाने के अंदर ले जाने लगे। गिरफ्त में आए इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दो सगी बहनों का गैंगरेप किया और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। गैंगरेप की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दो आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। इसमें पांच आरोपी का नाम अभी आया है, तीन आरोपी आदेश है, बाकी दो का सुलझ जा रही है। आरोप ये भी है कि दोनों नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल कर कई बार उनका गैंगरेप किया गया। फिलहाल गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके दो साथियों की तलाश की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में बैंकों में गड़बड़ियां कई गुना बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में सरकारी बैंकों में गड़बड़ झाले के 803 मामले सामने आए, जबकि साल 2016 में ऐसे मामलों की गिनती केवल 160 थी। साल 2015 में सरकारी बैंकों में फ्रॉड के मामले केवल 131 रहे, जबकि साल 2014 में ऐसे मामलों की गिनती 180 थी। तो रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में गड़बड़ जालों की गिनती भी बढ़ी है और फ्रॉड की रकम भी बढ़ी है। पिछले 5 साल में बैंकों में होने वाले फ्रॉड की गिनती करीब 20% बढ़ गई। बैंकों में पिछले 5 साल में फ्रॉड के कुल 5,064 मामले सामने आए, जबकि पिछले 5 साल में इस तरह के मामलों की गिनती तकरीबन 4,000 थी, जबकि गड़बड़ियों की रकम पिछले 5 साल में 72% बढ़ गई है। पिछले 5 साल में बैंकों में 16,770 करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जबकि उससे पिछले 5 साल में यह आंकड़ा 9,750 करोड़ रुपए का था। तो पीएनबी में हुए गड़बड़ झाले की बड़ी कीमत निवेशकों को चुकानी पड़ी। पिछले 2 दिन में पीएनबी के शेयर में 22% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस गिरावट का मतलब यह है कि पीएनबी में निवेश करने वालों को कुल 8,756 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुजरात के वडोदरा में पुलिस हिरासत में 4 लोग खड़े नजर आए। इन लोगों को पुलिस की टीम ने नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिनके पास से पुलिस ने 3,00,000 रुपए के जाली नोट और एक पिस्तौल बरामद की। इन चारों आरोपियों को पकड़ने में एसओजी की टीम को सफलता मिली। जाली नोट का जो धंधा शुरू करके यहाँ पे वो नोट ले आने की कोशिश करते हुए वो पकड़े गए। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी इंदौर का रहने वाला है, जो पिछले 10 सालों से नकली नोट छापने के आरोप में जेल में बंद था और वो पेरोल पर छूट कर आया था। जो पकड़े 4 लोग हैं, जो एक मध्य प्रदेश का है पाटिल। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इनके नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने राहुल गांधी को खोटा हिंदू कहकर इस बयानबाजी को नया मोड़ दे दिया, जिस पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई। अनंत कुमार हेगड़े ने फर्जी हिंदूवादियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के मंदिर दौरे पर तंज कसा
ಅದು ಖೋಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಖೋಟ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರ್ ಹೆಗಡೆ ಕಾ ಜಬಾನಿ ಹಮಲಾ ಯಹಿ ನಹೀ ರುಕಾ ಔರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಉನ್ಹೆ ಖೋಟಾ ಹಿಂದೂ ತಕ್ ಬತಾ ದಿಯಾ. ಖೋಟಾ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಗಡೆ ಕೆ ಬಯಾನ್ ಪರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆ ಭಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋ ತಲ್ಖ್ ಲಹಜೆ ಮೇ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೂರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. माना जा रहा है कि कर्नाटक में राहुल गांधी के मंदिर दौरे को लेकर राजनीतिक उठापटक इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जिस मोर्चे पर अब तक बीजेपी कांग्रेस से दो कदम आगे रहती थी उसी मोर्चे पर कांग्रेस ने अब बीजेपी से लोहा लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में बारूदी सुरंग में धमाका होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भारी बारिश के बाद आए तूफान से चार लोगों की मौत हो गई जबकि शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई। तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी एक पत्र में अपील की है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप पर अफगानिस्तान में युद्ध की नीति छोड़ने का दबाव बनाएं। नेपाल में वामपंथी गठबंधन की बड़ी जीत के बाद सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पंजाब के अमृतसर में पुलिस वाले पाकिस्तान से भारत आए एक हिंदू लड़के का पासपोर्ट मीडिया वालों को दिखाने लगे। आरोप है कि पाकिस्तान के कराची से हिंदुओं के जत्थे में शामिल विकी नाम का एक लड़का अचानक गायब हो गया जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बेटे के अचानक गायब होने की खबर मिलते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया लेकिन जल्द ही अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान के कराची से भारत पहुंचे इस हिंदू लड़के को ढूंढ निकाला। पुलिस का दावा है कि विक्की जयपुर की रहने वाली अपनी एक महिला दोस्त से मिलने के चक्कर में गायब हुआ था। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। विक्की से मिलने के लिए लड़की भी जयपुर से अमृतसर आई और उसी से मिलने के लिए विक्की एक होटल में गया था। डेढ़ दो साल तो फेसबुक पे कोई भी फ्रेंड सी भी जो भी जयपुर तो इतने आई सी उन्होंने मेरे फोन पर करने गया सी। अपनी गुमशुदगी से हड़कंप मचने के बाद लड़के ने भी अपनी गलती मानी। पता नहीं था कि यहाँ पे पहले एंट्री करवानी पड़ती है, दैट्स व्हाई इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान के कराची से 142 हिंदुओं का एक जत्था अपने बुजुर्गों की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए भारत पहुंचा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जेब कतरे को जेब काटना महंगा पड़ गया। खबर के मुताबिक ये जेब कतरा एक बुजुर्ग की जेब काटकर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उसे दबोच लिया। पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच सड़क पर हंगामे को देख लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर तक ट्रैफिक भी जाम हो गया। फिर लोगों ने पुलिस को मौके पर बुलाया और जेब कतरे को पुलिस के हवाले कर दिया। इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी आरिज से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी आरिज और पहले गिरफ्तार हुए आईएम के आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि देश के कई बड़े कट्टरपंथी संगठन युवाओं को आतंकी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आरिज के इस खुलासे के बाद स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और कट्टरपंथी संगठन अब इन जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं और खुफिया एजेंसी ने भी जांच शुरू कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर को आधार बनाकर सियासत तेज हो गई। ये तस्वीर तब की है जब पीएम जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने दावोस गए थे और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री और दूसरे कारोबारियों के साथ नीरव मोदी भी मंच पर नजर आए। तस्वीर को आधार बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर तीखा हमला बोला और ट्वीट किया कि नीरव मोदी द्वारा भारत को लूटने का तरीका, प्रधानमंत्री को गले लगाओ, उनके साथ दावोस में दिखो, 12,000 करोड़ लूटने में इसका इस्तेमाल करो, माल्या की तरह देश से भाग जाओ, जबकि सरकार की नजर कहीं और हो। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले पर राहुल के हमले के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। गौरव गोगोई ने हैशटैग नीरव मोदी और हैशटैग पीएनबी के साथ ट्विटर पर लिखा कि विदेशी दौरों पर सीईओस को अपने साथ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री का मापदंड क्या है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और आगे बढ़ गए और नीरव मोदी के साथ माल्या और ललित मोदी को जोड़ते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। पहले छोटे मोदी ललित मोदी को भगाया, फिर विजय माल्या को भगवाया, अब दूसरे छोटे मोदी नीरव मोदी भी भाग गए। कांग्रेस ने पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया और नीरव मोदी के देश छोड़कर भाग जाने पर सरकार से सवाल पूछा। उधर बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्रियों ने घोटाले के लिए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया और लगे हाथ प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करने के लिए कांग्रेस की निंदा की। ये छोटा मोदी ये कौन सा शब्द है? भारत के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदें लांग देंगे। बीजेपी ने साफ किया कि दावोस में नीरव मोदी पीएम के डेलीगेशन में शामिल नहीं थे। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने पीएनबी घोटाले के लिए यूपीए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को लताड़ लगाई। जिनके घर ऐसे शीशे के हों
जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं वो दूसरों पर पत्थर फेंकना बंद करें। बीजेपी ने कांग्रेस को पीएनबी घोटाले पर सियासत न करने की नसीहत दी, साथ ही दावा किया कि घोटाले से जुड़े सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जेएनयू में प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्र तालियां बजाकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अटेंडेंस जरूरी किए जाने के फैसले का विरोध किया और इस मसले पर कुलपति से मिलने की मांग पर अड़ गए। छात्रों का ये प्रदर्शन दिन में शुरू हुआ जो देर तक जारी रहा। हम लोग बाहर बैठ के वीसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और वो हमसे मिले। साफ साफ हमारी डिमांड है कि सर्कुलर वापस लिया जाए। इसके बाद भी वाइस चांसलर ने छात्रों से मिलना मुनासिब नहीं समझा, जिससे छात्र उग्र हो गए। उन्होंने कुलपति को हटाने तक की मांग कर दी। इनको यहाँ से चले जाना चाहिए, इनका मॉरली और एथिकली कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जेएनयू छात्र संघ का आरोप है कि वाइस चांसलर आरएसएस के इशारे पर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्कॉलरशिप के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और उन्हें सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन के इस फरमान से छात्र गुस्से में आ गए। उन्होंने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने दावा किया है कि वो शांत तरीके से अपनी बात कुलपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलपति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर छात्रों के दावे को गलत बताया। इस वीडियो में दिखा कि कुछ छात्र वाइस चांसलर के कमरे के बाहर हंगामे में जुटे थे और उन्हें हटाने के लिए वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मी जद्दोजहद कर रहे थे। काफी देर की मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मी छात्रों को हटाने में नाकाम रहे और कुलपति के कमरे के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी वाइस चांसलर के समर्थन में उतरे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कुलपति को बंधक बनाने का आरोप लगाया। उन दोनों को बंधक बनाया हुआ है, उनको उन्होंने बाहर नहीं आने दिया है और उनसे काफी बदतमीजी की गई है। These things are happening again and again in JNU and these things should not be tolerated. लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए छात्रों ने उल्टा कॉलेज प्रशासन को ही निशाने पर ले लिया। अभी कोई नहीं है, किसी ने कोई गेट ब्लॉक नहीं किया है, सब आराम से सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। लगे हाथ छात्र संघ ने ऐलान किया कि वो बगैर अपनी मांगे पूरी हुए पीछे नहीं हटेंगे। श्री श्री रविशंकर के पूर्व सहयोगी अमरनाथ मिश्रा हाथ में धार्मिक ग्रंथ गीता पकड़े हुए दिखे। गीता हाथ में लेकर अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने राम मंदिर बनाने के फॉर्मूले पर सहमति के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी और अपने आरोप की सच्चाई साबित करने के लिए अमरनाथ मिश्रा ने न सिर्फ गीता की कसम खाई बल्कि उनके और सलमान नदवी के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच करने की भी मांग की। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि अयोध्या विवाद पर अपना रुख बदलने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने रिश्वत की मांग की। आरोप है कि सलमान नदवी ने 5,000 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत मांगे। इसके अलावा अयोध्या में मस्जिद के लिए 200 एकड़ जमीन की भी मांग की गई। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि नदवी ने खुद के लिए राज्यसभा की सीट भी मांगी। भागवत गीता के पर हाथ रख करके कह रहे हैं कि मैं उनके से मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई। बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद को सुलझाने की श्री श्री रविशंकर की पहल में अमरनाथ मिश्रा शामिल रहे। अमरनाथ मिश्रा श्री श्री रविशंकर की बनाई हुई अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के महासचिव थे। हालांकि अब वो इस समिति में नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर सहमति के लिए सलमान नदवी से बातचीत की थी, जिसमें नदवी को राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी सौंपे गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उलट सलमान नदवी ने अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए सहमति जताई थी और मस्जिद को कहीं और बनाने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन इसके एवज में पैसे और जमीन की रिश्वत मांगने के आरोप से सलमान नदवी ने साफ इनकार किया। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा पर जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। जो भाईचारे को नुकसान पहुंचाए वो इंसान नहीं हो सकता, शैतान हो सकता। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा को पहचानने से भी इनकार कर दिया और दावा किया कि उनका मकसद सिर्फ अयोध्या विवाद को सुलझाना है। आज वो देख रहे हैं कि मसला हल हो सकता है, अब अंदर से जहर भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि साहब राम मंदिर भी ना बने, मस्जिद भी ना बने। उधर अमरनाथ मिश्रा ने खुद के लगाए आरोप की जांच करने की मांग की और दावा किया कि उनके पास इस सौदेबाजी से जुड़े सभी सबूत हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए रिश्वत के आरोप से धार्मिक और सियासी हलके में खलबली मच गई। उधर अमरनाथ मिश्रा ने लखनऊ के एक पुलिस थाने में सलमान नदवी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। 5 फरवरी को उन्होंने 9:45 में नदवा बुलाया था। जब नदवा गए तो उन्होंने कहा आप हमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, हम मोदी जी और योगी जी से और हिंदू पक्षकारों से बात करें
अमरनाथ मिश्रा ने दावा किया कि इस विवाद के बावजूद अयोध्या मामला सुलझाने के लिए हो रही बातचीत जारी रही, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या विवाद पर अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए सलमान नदवी को आड़े हाथ लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत पहले यह फैसला कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का हल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौलाना सलमान नदवी का बचाव किया और रिश्वत मांगने के आरोप को खारिज किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एनडीआरएफ की टीम के लोग एक इमारत के मलबे में दबे लोगों को निकालकर बाहर लाने लगे। जिस इमारत के मलबे में ये लोग दबे थे, कसुमनहल्ली इलाके में उसे बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बीती शाम वो इमारत अचानक गिर गई, जिसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे बचाव दल ने घायलों को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे की खबर मिलते ही कर्नाटक सरकार के मंत्री केजे जॉर्ज समेत कई मंत्री और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हादसे की पूरी जांच का भरोसा दिया। प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें कुछ हादसे की चपेट में आ गए। घटना वाली जगह पर देर रात तक बचाव और राहत का काम चलता रहा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की रफ्तार कम होने वाली है। ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन को साल 2016 में शुरू किया गया था। गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी रफ्तार से ये ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच रोज चलती है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा कैंटनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच 188 किलोमीटर की दूरी करीब 100 मिनट में तय करती है ये ट्रेन। लेकिन अब ट्रेन की रफ्तार कम हो सकती है, क्योंकि जल्द ही ट्रेन को झांसी तक चलाया जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस को झांसी तक चलाने का फैसला रेलवे बोर्ड ने ही लिया है, लेकिन आगरा से झांसी तक का रेलवे ट्रैक ऐसा नहीं है जिस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ पाए। इसलिए ट्रेन की रफ्तार को 160 से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। लेकिन रेलवे के ऐसा करने के बाद गतिमान एक्सप्रेस से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का तमगा जरूर छिन जाएगा। हालांकि झांसी और ग्वालियर के लोगों को एक नई ट्रेन का तोहफा जरूर मिलेगा। फिलहाल गतिमान एक्सप्रेस के अलावा देश में 2 रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का काम चल रहा है। इनमें पहला रूट दिल्ली से हावड़ा का है, जिस पर करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा रूट दिल्ली से मुंबई का है, जिस पर 11000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। दोनों रूट पर रेलवे की योजना 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने की है। भारतीय सेना पाकिस्तान के सीज़फ़ायर उल्लंघन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि सेना ने LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पोस्ट पर तैनात कमांडरों को खुली छूट दी है। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को जरूरी किए जाने को लेकर छात्रों ने VC ऑफिस को घेर कर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और विचारकों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी, जिसके दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात की और रत्नागिरी रिफाइनरी के विरोध का मुद्दा उठाया। जमात उद्दावा समेत अपने कई संगठनों पर कार्रवाई से बौखलाया आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगा। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हुए आरिस खान उर्फ जुनैद की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई। आरोप है कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा जुनैद दिल्ली और UP समेत कई राज्यों में हुए धमाकों में शामिल रहा, लेकिन पुलिस के मुताबिक बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान जुनैद भाग निकलने में कामयाब रहा था। वर्षों बाद जुनैद की गिरफ्तारी से बटला हाउस एनकाउंटर के मुद्दे पर पुरानी सियासत फिर तेज हो गई और इसी बहाने BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज कांग्रेस पार्टी की वही पॉलिटिकल पाखंड और वही हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है। दिल्ली में साल 2008 में हुए जामिया नगर के बटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे। हालांकि मध्य प्रदेश में धार्मिक यात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह ने अब आतंकी जुनैद पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। अगली सारी बातें हम परिक्रमा पूरी होने पर करेंगे। वहीं आतंकी जुनैद की गिरफ्तारी पर BJP ने पुलिस की तारीफ की और दावा किया कि पुलिस और सरकार की सतर्कता से ही इस फरार आतंकी को पकड़ा गया। बटला हाउस एनकाउंटर मुद्दे पर BJP के हमले के जवाब में कांग्रेस भी सामने आई और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जुनैद के फरार होने और अब गिरफ्तार किए जाने पर उंगली उठाई। पुलिस शुड हैव टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज़ अरेस्टेड फ्रॉम द साइट इटसेल्फ, हाउ ही वाज़ अलाउड टू एस्केप। जुनैद की गिरफ्तारी को BJP जहां सरकार की कामयाबी बता रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में पुलिस से जल्द आरोप साबित करने की मांग कर रही है।
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक घर के अंदर चेहरा ढकी एक बच्ची नजर आई। पांचवी क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची का आरोप है कि उसकी स्कूल के कैब के ड्राइवर ने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की और दावा किया कि गाड़ी सिखाने के बहाने उसके साथ ये हरकत की गई। नाबालिग के मुताबिक बीते रोज स्कूल की कैब सभी बच्चों को लेकर स्कूल से निकली और एक एक कर सबको उनके ठिकानों पर छोड़ दिया, लेकिन बच्चे को घर छोड़ने से पहले कैब के ड्राइवर ने उसे गाड़ी सिखाने की बात कही और आरोप है कि इसी बहाने उसने मासूम का यौन शोषण किया। सारे बच्चे उतर गए थे ना, तब भैया कह रहे तुझे गियर डालना सिखाता हूँ। घर पहुँचने के बाद लड़की ने घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने पहले तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और फिर स्कूल को घटना की जानकारी भी दी। पीड़ित बच्ची के घर वालों का आरोप है कि घटना की जानकारी दिए जाने पर स्कूल प्रशासन ने यौन शोषण के मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन दबाव डाले जाने पर स्कूल प्रशासन ने दलील दी कि जिस कैब में घटना घटी वो प्राइवेट कैब है जिसका स्कूल से कुछ भी लेना देना नहीं है। आरोप ये भी है कि कैब ड्राइवर की हरकतों के बारे में स्कूल को पहले ही खबर दी गई थी। पहले हरकत ये थी सर, इसकी दो बार चांस आया तो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, इस बारे में शिकायत अपने प्रिंसिपल से भी की थी। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने राहुल गांधी को खोटा हिंदू कहकर इस बयानबाजी को नया मोड़ दे दिया, जिस पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई। अनंत कुमार हेगड़े ने फर्जी हिंदूवादियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के मंदिर दौरे पर तंज कसा। ಅದು ಖೋಟಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಖೋಟಾ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸರಿ। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರ ಹೆಗಡೆ ಕಾ ಜಬಾನಿ ಹಮಲಾ ಯಹಿ ನಹೀ ರುಕಾ ಔರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಉನ್ಹೆ ಖೋಟಾ ಹಿಂದೂ ತಕ್ ಬತಾ ದಿಯಾ। ಖೋಟಾ ಹಿಂದೂತ್ವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೆಗಡೆ ಕೆ ಬಯಾನ್ ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆ ಭಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋ ತಲ್ಖ್ ಲಹಜೆ ಮೇ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ। ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೂರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್। माना जा रहा है कि कर्नाटक में राहुल गांधी के मंदिर दौरे को लेकर राजनीतिक उठापटक इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जिस मोर्चे पर अब तक बीजेपी कांग्रेस से दो कदम आगे रहती थी, उसी मोर्चे पर कांग्रेस ने अब बीजेपी से लोहा लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में बारूदी सुरंग में धमाका होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भारी बारिश के बाद आए तूफान से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई। तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी एक पत्र में अपील की है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप पर अफगानिस्तान में युद्ध की नीति छोड़ने का दबाव बनाएं। नेपाल में वामपंथी गठबंधन की बड़ी जीत के बाद सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पंजाब के अमृतसर में पुलिस वाले पाकिस्तान से भारत आए एक हिंदू लड़के का पासपोर्ट मीडिया वालों को दिखाने लगे। आरोप है कि पाकिस्तान के कराची से हिंदुओं के जत्थे में शामिल विकी नाम का एक लड़का अचानक गायब हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। बेटे के अचानक गायब होने की खबर मिलते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन जल्द ही अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान के कराची से भारत पहुंचे इस हिंदू लड़के को ढूंढ निकाला। पुलिस का दावा है कि विक्की जयपुर की रहने वाली अपनी एक महिला दोस्त से मिलने के चक्कर में गायब हुआ था। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। विक्की से मिलने के लिए लड़की भी जयपुर से अमृतसर आई और उसी से मिलने के लिए विक्की एक होटल में गया था। डेढ़ दो साल तो फेसबुक पे कोई भी फ्रेंड सी जो भी जयपुर तो इतने आई सी फोन करने गया। अपनी गुमशुदगी से हड़कंप मचने के बाद लड़के ने भी अपनी गलती मानी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे पहले एंट्री करवानी पड़ती है, दैट्स व्हाई इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान के कराची से 142 हिंदुओं का एक जत्था अपने बुजुर्गों की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए भारत पहुंचा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जेब कतरे को जेब काटना महंगा पड़ गया। खबर के मुताबिक ये जेब कतरा एक बुजुर्ग की जेब काटकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उसे दबोच लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच सड़क पर हंगामे को देख लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर तक ट्रैफिक भी जाम हो गया। फिर लोगों ने पुलिस को मौके पर बुलाया और जेब कतरे को पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर में विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाने लगे। सूबे में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद से ही कांग्रेस वसुंधरा सरकार को घेरने में जुटी है और इसी कड़ी में पार्टी ने बजरी के आवंटन को लेकर सवाल उठाए और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध की अगुवाई राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने की और सूबे में बजरी को लेकर लगातार गहराते संकट पर वसुंधरा सरकार को घेरा।
लाखों और करोड़ों रुपए की चोरी रोज हो रही है। इस पूरे प्रकरण में सरकार को अपनी नीयत स्पष्ट करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार से सवाल पूछा कि क्या बजरी का अवैध खनन करने वाले लोगों को सरकार का संरक्षण हासिल है। कांग्रेस ने पूछा कि बजरी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार की अपनी एक प्रकाष्ठा है। हालांकि बीजेपी ने सरकार के खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई दी और कांग्रेस पर प्रदर्शन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया। वसुंधरा सरकार ने दावा किया कि सूबे में बजरी संकट दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए गए, जिनमें एक फैसला बजरी के खनन के छोटे पट्टे जारी करना है। किसानी बिल्ली खंबा नोचे अपने खुद के द्वारा किए गए कुकर्म को आज लोगों के सामने खुद पवित्र बनकर और इस प्रकार का भ्रामक बात करें, मैं समझता हूं उचित नहीं। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि बजरी के खनन में बड़ा घोटाला हुआ है जिसे सरकार दबाने की कोशिश में जुटी है। राजस्थान में उपचुनाव में मिली जीत के बाद से ही कांग्रेस वसुंधरा सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के कवायद में जुटी है। खबर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किसान, मजदूर और रोजगार जैसे मुद्दों पर मुहिम चला सकती है ताकि सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे इसका फायदा मिल सके। बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर शहीद का अपमान करने का आरोप लगा है। बिहार के मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सुंजवा सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में शहीद हुए मुजाहिद खान को लेकर अपमानजनक बयान दिया है। बिहार के मंत्री से जब ये पूछा गया कि आप शहीद की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाता तो क्या शहीद जिंदा हो जाते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं जो वो उड़कर शहीद की अंतिम यात्रा में पहुँच जाते। आपको मालूम है कि नहीं, कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है और अभी हम 400 साढ़े 400 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे। हम रास्ते में हैं और मैं अभी पीड़ित परिवार मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। नहीं तो कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है, ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। नीतीश के मंत्री के संवेदनहीन बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे मंत्री को पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है, जबकि बिहार के कैबिनेट मंत्री उनका बचाव करते दिखे। इनको कोई अधिकार नहीं है इस पद पर रहने का। अगर सैनिकों के शहीदों का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उनके परिवार वालों पर, कम से कम उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए कम से कम ये जाते, सम्मान रखने के लिए ये जाते। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते इनको वहां पहुंचना चाहिए था। इनको तो नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बर्खास्त करें, ये हम मांग करने का काम करते हैं। ये मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति हम सबका पूरा सम्मान है। उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है और हम ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं और मैं जरूर पता करूंगा क्यों ऐसी बात हुई। ये उनका क्या बयान था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बयान बिहार सरकार का बयान नहीं है। वीर कुंवर सिंह की धरती का वो सपूत था जिसकी शहादत हुई, उसकी शहादत पे पूरे बिहार को गर्व है। हम आप सबको ही सम्मानित हुए हैं। वीर कुंवर सिंह की धरती पे आज भी ऐसे ऐसे सब वीर सपूत जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। ऐसे बयानों की कोई महत्वता नहीं है, ऐसे बयानों की चर्चा करके उस वीर सपूत की शहादत का अपमान कोई न करे। हरियाणा के सिरसा में राम रहीम की करीबी विपसना इंसा एसपी ऑफिस से पुलिस वालों के साथ बाहर जाती दिखी। विपसना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद सिरसा पुलिस ने न तो उन्हें रोका और न ही इसकी जानकारी पंचकुला की एसआईटी को दी, जिसकी वजह से पुलिस की फजीयत हो रही। क्योंकि पूछताछ के बाद जिस तरह से विपसना इंसा आराम से निकल गई, उससे पुलिस के बीच तालमेल की कमी साफ दिखी। विपसना को 25 अगस्त 2017 को सिरसा में भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपसना इंसा से 5 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और बाद में वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। यानी वारंट की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने विपसना को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि पंचकुला हिंसा मामले में विपसना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट अदालत ने जारी किया था, जिसके बाद से वो फरार चल रही। ऐसे में आरोपी के 5 घंटे तक एसपी दफ्तर में रहने के बावजूद जिस तरह से उन्हें जाने दिया गया, उसे लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सिरसा पुलिस का दावा है कि उन्होंने पंचकुला पुलिस को विपसना के आने की जानकारी दे दी थी। उनकी टीम यहां नहीं है, पंचकुला पुलिस को सूचित कर दिया है। आगे जैसे भी पंचकुला पुलिस की कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कानून की जाएगी। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि सिरसा पुलिस ने पंचकुला पुलिस को विपसना की पेशी की जानकारी देर से दी, जिसकी वजह से वो हादसे निकल गई।
यूपी के बदायूं में बड़ी संख्या में हाईवे पर इकट्ठा हुए गन्ना किसान हाथों में गन्ना लेकर नारेबाजी करने लगे। इन किसानों ने जिले के गन्ना अधिकारियों की मनमानी का विरोध और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बदायूं मुरादाबाद हाईवे जाम कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारी किसान सड़क के बीचों बीच गन्ने का ढेर लगाकर धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। किसानों के प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग से पीछे हटने को राजी नहीं हुए। लिहाजा जिले के आला अधिकारियों को किसानों से बातचीत के लिए मौके पर जाना पड़ा। हमने योगी जी को पोर्टल किया, आयुक्त को पोर्टल किया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने, और हमारा कहना है गन्ना समय से पड़ना चाहिए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने हाईवे से जाम हटा लिया, लेकिन करीब 4 घंटे तक चले प्रदर्शन की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।